गाइस आज मैं फिर से कांटेक्ट करने वाला हूँ इंडियन यूट्यूबर्स को मेरे माइनक्राफ्ट के मॉड सेल करने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया था और उनमें से सिर्फ चार ही मेरे मॉड सेल हुए, फिर भी मुझे 10K का प्रॉफिट हुआ। फिर उस वाली वीडियो में ना मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी है, जैसे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक ही साथ मिलकर डाला एंड यू नो ऐसी बहुत सारी गलतियां कर दी। बट आज मैं फिर से सारे के सारे इंडियन यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ एंड इस बार मैंने जो भी गलतियां की थी ना वो नहीं करूंगा। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो को एंड तक कितने सारे माइनक्राफ्ट के मॉड्स एंड प्लगइन्स सेल किए। वेल पोर्टफोलियो की लिंक तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेल देखो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि देखो जो पिछली वीडियो में गलती की थी ना, सबसे पहली गलती कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक ही साथ मेल करना एंड सेकंड गलती कि अपना नॉर्मल gmail.com वाला ईमेल यूज करना। वेल देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना पहले से एक डोमेन पड़ा हुआ है thunderslucky.com, तो उसको मैंने जल्दी से होस्टिंगर के वेबसाइट में मैंने शिफ्ट किया एंड उसके बाद मैंने 5 बिजनेस ईमेल्स खरीदे जो कि थे clients@thunderslucky.com, manager@thunderslucky.com, support@thunderslucky.com, उसके बाद thunderslucky@thunderslucky.com एंड नेक्स्ट था contact@thunderslucky.com। ये 5 बिजनेस ईमेल्स मैंने खरीद दिए एंड उसके बाद मैंने उसी से मेल्स करना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो उससे अगर अपन लोग मेल करते ना तो अपने मेल स्पैम में नहीं जाते। मैंने सारे के सारे यूट्यूबर्स को अलग अलग मेल किया है एंड यू नो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। ये सब करने में मुझे अराउंड 2 दिन लगे, उसके 5 बिजनेस ईमेल्स क्रिएट करने में मेरे अराउंड $20 का एक्सपेंस लगा है, मतलब $20 लगे ये सब करने में। बट यू नो मुझे पता था कि $20 खर्च करना ना वर्थ इट होगा। मैं क्या करता था कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी बहुत सारे ज्वाइन करके रखे थे, सो वहां से मैं डिस्कॉर्ड सर्वर से यूट्यूबर्स को कॉन्टेक्ट करता था, उनके मैनेजर के पास जाके, उसके बाद एडमिन के पास जाके एंड वैसे यूट्यूबर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर लेता था। बट यू नो थर्ड दिन मेल करने के बाद तीसरे दिन मैंने एक ईमेल देखा जो कि था युग गेमर का एंड उसने मुझे कांटेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उसको बाय करना था माइनक्राफ्ट व्हाट एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू वॉइड वाला मॉड, जो कि अभी भी आप लोग देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जो कि प्राइस्ड है अराउंड $20 जो कि होते 1.5K इंडियन रुपीस। बट यू नो ये वाला एक मॉड सेल करने के बाद कोई भी यूट्यूबर ने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने एकदम एक बेस्ट टिप खेला जो कि गाइस इंडिया में जो मॉड सेल करता है ना, मैंने उसको कांटेक्ट किया डायरेक्टली एंड उसके साथ वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद मेरे और भी ज्यादा सेल्स बढ़े, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखो जैसे मैंने वो वर्क करना स्टार्ट किया, लाइक पार्टनर किया इंडिया के मॉड डेवलपर के साथ, उसके बाद तुरंत मैंने एक मॉड सेल किया MC फ्लेम भाई को। बट इतना ही नहीं, इसके बाद सेल्स रुकी ही नहीं, उसके बाद NY गेमर ने कॉन्टेक्ट किया जिसने लिया XP = money वाला मॉड, उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट किया एपिक डेपिक ने जिसने 2 मॉड्स लिए मेरे से, उसके बाद तुरंत मुझे स्पॉट ने भी कांटेक्ट किया एंड यू नो इस बार मैंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो कि था 2 इंडियन यूट्यूबर्स को एक सेम मॉड मैंने सेल कर दिया एंड यू नो इससे क्या हुआ, दोनों के दोनों इंडियन यूट्यूबर्स ने वही सेम मॉड बाय किया, सेम ही डेट पे दोनों ने अपलोड किया एंड उसकी वजह से दोनों के व्यूज में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ। सो गाइस देखो इतना तो हो चुका था एंड अभी तक ना अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मेरी टोटल सेल्स हो चुकी है अराउंड 7 मॉड्स की। बट वेट मैं आप लोग को एक मॉड तो बताना भूल ही गया। वेल देखो मैंने एक और मॉड सेल किया था जो कि था MC फ्लेम को एंड उस मॉड का नाम था माइनक्राफ्ट बट आई कैन अपग्रेड स्ट्रक्चर्स। वेल ये वाला मॉड भी था प्राइस्ड एट 4K इन आवर पोर्टफोलियो, अभी भी आप लोग जाके देख सकते हो एंड ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेरा डोमेन, मेरे 5 बिजनेस ईमेल्स, इंडियन डेवलपर के साथ कांटेक्ट करना एंड इतनी ज्यादा मेहनत करके मैंने सबको कांटेक्ट किया एंड आप लोग देख सकते हो कि मैंने इतनी सारी मॉड सेल की। सो देखो ये जो मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक मंथ की सेल है, वो भी सिर्फ इंडियन यूट्यूबर से। आई नो बहुत सारे लोगों को मेरी फाइवर की सेल्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स की भी सेल्स जाननी है, बट वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आप लोग पकड़ लो ना, सो टोटल सेल्स जो मैंने की है इट्स अराउंड 25,000 की सेल्स एंड यू नो फन फैक्ट तो ये कि इसी मंथ, लाइक मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था एंड मार्च अभी 20 चल रहा है एंड इस मंथ में ना मेरी बोर्ड्स एग्जाम भी थी एंड यू नो मुझे पढ़ाई भी करनी थी, बट इसी मंथ में मैंने सबसे ज्यादा सेल्स भी की एंड अभी मोस्ट ऑफ द इंडियन यूट्यूबर जो कि माइनक्राफ्ट मॉड्स के ऊपर वीडियोस बनाते दे नो मी। एंड गाइस अभी बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाउ दे कैन ऑल्सो वर्क एंड सेल मॉड्स एंड अर्न। वेल देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ
कि यू कैन ऑल्सो वर्क विथ मी एंड अर्न, बट इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देखो, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो आप लोग देखना, एंड उसकी मदद से यू कैन वर्क विथ अस एंड लिटरली अर्न 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑन ईच सेल। वेल देखो, आप लोग को इसके लिए कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, उसके बाद जो भी स्टेप्स मैंने बताए ना वो सारे स्टेप्स करने, एंड आप लोग को क्लाइंट्स को ढूंढने लग जाना है। उसके बाद जो भी क्लाइंट मिलेगा उसकी जो भी सेल रहेगी ना, उसका आप लोग को 50% प्रॉफिट मिलेगा अगर वो आप लोगों का कोड यूज करता है। वेल आई नो आप लोगों को अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, जल्दी से वो देख लीजिए, और उसके बाद आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। वेल वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 1 month में हमने टोटल 7 मोड सेल किए इंडियन यूट्यूबर्स को, एंड हां मैं सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स का बता रहा हूं, ये बाकी की सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आप लोग को मेरी इसी जर्नी के साथ अपडेटेड रहना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। एंड अगर आप लोग को मेरी फेस के साथ वीडियो चाहिए, मैं अपना फेस दिखा के अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो बनाऊं, सो इस वीडियो पे आप लोग को मिनिमम करने होंगे 2K लाइक्स, 2000 लाइक्स। आई नो तेरा हार्ड है, बट यू कैन डू इट गाइस। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।